नमस्कार, स्वागत है मैनेजर जड़ी में। डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एक नया प्रोग्राम चल रहा है डेली करंट न्यूज, जिसमें जो भी नई अपडेट होती है उसमें मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कल ये जो सुगम ऐप है कि कल भारत में लॉन्च होगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसकी जानकारी पूरी क्या है। इसमें देखिए, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं श्री थावरचंद गहलोत, सुगम भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च करने वाले हैं। इस उद्घाटन का वेब टेलीकास्ट 2 मार्च को सुबह 11 बजे webcost.nic.in पर होगा। इसके बाद एंड्रॉइड उपयोगकर्ता जो होंगे वो प्ले स्टोर से अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लेंगे, इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐप का iOS संस्करण 15 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगा। इस हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विकसित किया है। ये क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन भारत में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के 3 स्तंभों जैसे निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र और ICT इकोसिस्टम के प्रति संवेदनशीलता और पहुंच बढ़ाने का एकमात्र साधन है। सुगम भारत ऐप इस्तेमाल करने के लिए इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिट करनी होगी। ऐप में कई यूजर फ्रेंडली फीचर्स होंगे, जैसे आसान ड्रॉप डाउन मेनू, साइन लैंग्वेज के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया और फोटो के साथ शिकायतों को अपलोड करने संबंधी हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो आदि। इस एप्लीकेशन को दिव्यांगों के उपयोग के लिए सुलभ बनाया गया है। ये हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और मलयालम जैसी 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसे शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे सबको ये जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।